Hi students, how are you? I think all are keeping well. मुझे आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे और इस लॉकडाउन का मजा ले रहे होंगे। आइए फिर से मैं आप लोग के सामने हाजिर हूँ क्लास फोर्थ सब्जेक्ट कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर हार्डवेयर को लेकर के। तो आइए अभी हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर मींस द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन टच और फील। हार्डवेयर हम उसे कहते हैं जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे आइए हम कुछ एग्जांपल के साथ चलते हैं। कीबोर्ड, सभी बच्चे कीबोर्ड देखे होंगे, उसे हम आराम से छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। माउस, माउस को भी छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर इटीसी, ये जितने भी पार्ट्स हैं सभी हार्डवेयर में आते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। हार्डवेयर के भी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कंप्यूटर में यूज होते हैं। ये तीन प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर वन, इनपुट डिवाइसेस। नंबर टू, आउटपुट डिवाइसेस। नंबर थ्री, कंपोनेंट्स इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। सीपीयू बॉक्स के अंदर जितने भी पार्ट्स लगे होते हैं वो भी हार्डवेयर ही आते हैं, उसे भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज इनपुट डिवाइस। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? द डिवाइसेस थ्रू विच वी कैन एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। समझने की कोशिश करेंगे, इनपुट डिवाइस हम उसे कहते हैं जब कोई भी चीज कीबोर्ड के माध्यम से हम कोई चीज टाइप करते हैं। डाटा मींस अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको देना है, इंस्ट्रक्शन इसका मतलब होता निर्देश। कोई भी निर्देश को अगर हम कंप्यूटर में कीबोर्ड के माध्यम से हम टाइप करते हैं उसे डाटा कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस, इन मतलब अंदर। उसके बाद हम लोग आएंगे आउटपुट। आउटपुट मतलब आउट मींस बाहर। तो अभी हम लोग देख लिए इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनपुट डिवाइसेस। बच्चे लोग ध्यान देंगे इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या आते हैं उसके बारे में अभी हम लोग डीपली पढ़ेंगे। नंबर वन, कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? देखिए सभी बच्चे देखे होंगे, लगभग सभी के घरों में कीबोर्ड होगा। ये कीबोर्ड है, इसका यूज हम लोग कोई भी चीज, लेटर, एप्लीकेशन, स्टोरी या कोई भी डाटा को टाइप करने के लिए हम इस कीबोर्ड का यूज करते हैं। ये कीबोर्ड दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल, एक मल्टीमीडिया। इसमें सिंपल में आप देखेंगे इसमें लगभग 107 कीज होते हैं, और अगर मल्टीमीडिया में जाएंगे तो उसमें कुछ ऐसे बटन होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा दिया जाता है। अगर आप मूवी देखेंगे तो उसमें साउंड को बढ़ाने के लिए, स्क्रीन फुल स्क्रीन करने के लिए, तो उसमें कुछ ऐसा दिया रहता है, केवल दो तीन कीज होते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं। तो ये कीबोर्ड आप सभी को देख रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे। अभी इसके बारे में जानेंगे कि कीबोर्ड में कितने प्रकार के कीज होते हैं। नंबर वन, अल्फाबेट कीज। अल्फाबेट क्या होते हैं? सभी बच्चे जानते हैं ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक जितने भी कीज हैं उसे हम अल्फाबेट कीज कहते हैं। किसी का नाम या किसी का नाम लिखने के लिए हम लोग अल्फाबेट कीज का प्रयोग करते हैं। नंबर कीज, यहां देख रहे हैं सभी बच्चे, आप प्रायः शर्माइए, आपको जीरो से लेकर नाइन तक बहुत सारे कीज दिए हुए हैं। इधर भी आप देख सकते हैं, ऊपर में भी आपको वन से लेकर के जीरो तक दिया हुआ। इसके माध्यम से आप किसी का मोबाइल नंबर या अगर आपको कोई सम करना है, जोड़ना है, घटाना है, कोई अंक लेना है, तो आप नंबर कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं।
नंबर थ्री फंक्शन कीज। बहुत बच्चे फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे कि फंक्शन कीज क्या होते हैं। देखिए बच्चे कीबोर्ड पे ऊपर में जो आपको F1 से लेकर के F12 तक जो दिखाई दे रहे हैं इसे हम कहते हैं फंक्शन कीज। इसका इस्तेमाल हम लोग अगर कभी डायरेक्ट कंप्यूटर को बंद करना है तो हम लोग Alt प्लस F4 करते हैं तो डायरेक्ट उसे हम शट डाउन कर सकते हैं। जब कंप्यूटर को हम फर्स्ट टाइम उसे स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के लिए आप कीबोर्ड देखिए इसमें की दिया हुआ है F5 जो दिया हुआ आप F5 को अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका सिस्टम रिफ्रेश होगा। आइए लास्टली हम लोग देखते हैं स्पेशल कीज। स्पेशल कीज क्या होते हैं? कुछ ऐसे कीज होते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग कीबोर्ड में बार बार करते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं राम इज ए गुड बॉय, एक सेंटेंस हो गया। अगर दूसरे लाइन से या नए लाइन से अगर आपको लिखना है कोई दूसरा मैटर तो हम लोग क्या करते हैं कीबोर्ड का एंटर बटन देख रहे हैं आप यहां क्लिक करते हैं तो नीचे लाइन में चला जाता है और आप नया लाइन में आप लिख सकते हैं। तो स्पेशल कीज में बहुत सारे कीज होते हैं जिसका इस्तेमाल बहुत कामों में किया जाता है। एंटर की, आइए ऑल्ट की, कंट्रोल की, शिफ्ट की, कैप्स लॉक की, ये सब जितने भी कीज हैं इसे हम कहते हैं स्पेशल कीज। अगर आपसे पूछा जाए कि कीबोर्ड में सबसे लंबा की कौन सा होता, विच इज द लॉन्गेस्ट की इन द कीबोर्ड, आप लोग देख रहे हैं क्या आप लोग बता सकते हैं कि इस कीबोर्ड में सबसे लंबा की कौन सा है? गुड, स्पेस बार की। देखिए ये स्पेस बार की जो है कीबोर्ड में सबसे लंबा कीज है। इसका इस्तेमाल हम लोग स्पेस देने के लिए, अगर कोई वर्ड लिख रहे हैं तो कोई दो वर्ड के बीच में स्पेस देने के लिए हम लोग स्पेस बार का प्रयोग करते हैं। तो आगे हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलेंगे बच्चों, माउस। आइए बच्चों अभी हम लोग पढ़ते हैं माउस के बारे में। सभी बच्चे लोग जानते हैं माउस क्या होता है। माउस का मतलब होता है चूहा। सबको जानते हैं चूहा क्या होता है, लगभग सभी के घरों में ये चूहा मिलेगा। आखिर चूहा का है इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, माउस। तो आइए हम लोग कंप्यूटर भाषा में आते हैं माउस के बारे में पढ़ते हैं। माउस इज अ इनपुट डिवाइस एंड इट इज आल्सो कॉल्ड अ पॉइंटिंग डिवाइस। इसका इस्तेमाल अगर कोई फाइल को खोलना है तो माउस देख रहे हैं, सभी देखिए बच्चे माउस। इस माउस में दो तरह के कीज होते हैं, राइट कीज एंड लेफ्ट कीज, जिसको हम बोलते हैं राइट बटन और लेफ्ट बटन। एक बटन और होता है, देखिए ध्यान से, ये है एक चक्का लगा हुआ है और इसे बोलते हैं स्क्रोल बार। स्क्रोल बार किसी है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं अगर आपको पेज अप एंड डाउन करना है तो इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कोई भी चीज को आगे या पीछे कर सकते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं माउस, डीपली पढ़ेंगे। माउस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वायरलेस माउस। वायरलेस माउस क्या होता है, ये देखिए इसमें वायर लगा हुआ है, इसमें वायर लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं माउस जिसमें वायर लगा हुआ। अगर जिसमें वायर नहीं लगा होता, अगर यहां से इसका काट दीजिए, आप मार्केट में देखे होंगे आपको वायरलेस माउस भी अवेलेबल है। इसका इस्तेमाल जिसमें वायर नहीं लगा रहता आप घर से दूरी में बैठ करके आप अपने सिस्टम को चला सकते हैं। तो सभी को समझ में आ गया माउस क्या होता है। आइए नंबर थ्री माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज इनपुट डिवाइस, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसका इस्तेमाल हम लोग कोई भी अगर आपको गाना को रिकॉर्ड करना है या कोई चीज आप विशेषकर प्रचार प्रसार में आप देखते होंगे बहुत सारे लोग अपने वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं तो उस वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए हम माइक्रोफोन का यूज इस्तेमाल करते हैं। नंबर फोर स्कैनर। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस, इट इज यूज्ड टू स्कैन द फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट्स डायरेक्ट इनटू द कंप्यूटर। हम क्या करते हैं स्कैनर में, अगर आपको कोई फोटो मोबाइल में या आपको
स्कैनर के माध्यम से कंप्यूटर में लेना है तो आप स्कैनर पे फोटो कोरा करके डायरेक्टली आप कंप्यूटर में ले सकते हैं। इसका इस्तेमाल कोई भी चीज को स्कैन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए नंबर 5, जॉयस्टिक। लगभग सभी बच्चे लोग जानते हैं जॉयस्टिक क्या है। इट इज एन इनपुट डिवाइस, इट इज यूज टू प्ले द गेम्स एंड स्पेशली इट इज यूज इन द एरोप्लेन। एरोप्लेन में जॉयस्टिक का प्रयोग क्यों करते हैं, आप देखे होंगे एरोप्लेन जब हवा में उड़ती है उसका कोई डायरेक्शन नहीं रहता है, बल्कि डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम लोग जॉयस्टिक का प्रयोग एरोप्लेन में करते हैं। आइए हम लोग सबसे लास्ट में चलते हैं वेव कैमरा। सो ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेव कैमरा। वेव कैमरा इज आल्सो एन इनपुट डिवाइस, इट इज यूज्ड टू टॉक विद योर फ्रेंड्स फेस टू फेस थ्रू द इंटरनेट। अगर आपके कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन है और आपके पास वेब कैमरा है और आपका दोस्त मुंबई में है, आप त्रिवेणीगंज में है, आप त्रिवेणीगंज से मुंबई में अपने दोस्त या रिश्तेदार से बात करना चाहते हैं फेस टू फेस, तो आप वेब कैमरा के माध्यम से अपने रिलेटिव अपने फ्रेंड से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो ये आप लोग समझ गए इनपुट डिवाइस। इसके बाद और भी कुछ इनपुट डिवाइसेस है जिसका चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो आज के लिए ये काफी है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। आप लोग को मैं एक होमवर्क देने जा रहा हूं, जितने भी इनपुट डिवाइसेस के बारे में आप लोग पढ़े हैं आप अभी अपने नोटबुक पे कीबोर्ड माउस माइक्रोफोन स्कैनर जॉयस्टिक वेब कैमरा सबका पिक्चर अपने बुक से या नेट के माध्यम से आप उसे देख करके बनाएंगे और उसे लिखेंगे उसके बारे में और सबको याद करना है। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और जरूर इसका जो होमवर्क दिया गया है उसको जरूर करेंगे। So, thank you, everyone.